खुशबू सेवा संस्थान के आयोजक मंडल और सिधौली क्षेत्र की बहुत ही तेज तथा मात्र शक्ति बहन पूजा वर्मा जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय प्राथमिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण और बांटना भैया श्री आशीष पटेल जी का आगमन था, लेकिन ये बना नहीं कि राबर्ट्सगंज के सांसद जो हैं पार्टी के सांसद श्री पकौड़ी लाल जी, उनके बेटे राहुल कौल जी जिनकी उम्र मात्र 33 साल है, जो विधायक हैं, उनको ब्लड कैंसर हो गया है और वो आखिरी स्टेज में। तो हमारे नेतृत्व ने तय किया था कि कार्यक्रम में वो जरूर आते, लेकिन आज रात में वो राहुल कौल जी को लेकर मुंबई चले गए हैं आखिरी अपना प्रयास करने के लिए, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दादा आरबी सिंह पटेल जी, राष्ट्रीय सचिव भैया विनोद गंगवार जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और उन्होंने संदेश साथ में भिजवाया है कि सिधौली के इस जनता जनार्दन को मेरी तरफ से राष्ट्र माता योगी जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम की मंगल कामनाएं देकर मेरा संदेश कह दीजिएगा और बहन पूजा वर्मा को ऐसे भव्य कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथियों, महारानी वीरांगना अवंतीबाई योगी जी जो कि मध्य प्रदेश में सिवनी में जिनका जन्म हुआ था, उनके पिता जुझार सिंह जी बहुत ही क्रांतिकारी रियासत के राजा थे। उनकी शादी जो है रायगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र विक्रमाजीत से हुई थी और विक्रमाजीत जी जब अस्वस्थ रहने लगे तो राजपाट का उस समय संचालन वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने अपने हाथ में लिया। उस समय ब्रिटिश हुकूमत जो है भारत में पांव पसार रही थी, तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने निश्चय किया कि मैं इन फिरंगियों के आगे अपने घुटने टेकूंगी और उन्होंने एक महिला होकर के उस समय आसपास की रियासतों के राजाओं को चिट्ठियां भेजी थी और साथ में चूड़ियां भेजने का काम किया था कि रियासतों के राजाओं जो कि पुरुष थे, कहा था कि अगर अपने राष्ट्र की भारत देश की अखंडता एकता लिए आप लोग युद्ध कर सकते हो उन फिरंगियों से, तो ऐन नामा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना और या कि चूड़ियों पकड़ना। उनके इस आवाहन से कुछ राजाओं का, अन्य लोगों का जमीर जागा और उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का ऐलान महारानी अवंतीबाई लोधी जी के नेतृत्व में किया। लेकिन ये समय की विडंबना रही है, हमारे समतामूलक समाज की विडंबना रही है कि हमारे बीच के ही गद्दारों की वजह से हमारा समाज, हमारे समाज के महापुरुष और आज भी हमारे समाज के लोग साजिशों का शिकार होते हैं। जो कुछ लोग उस समय महारानी अवंतीबाई लोधी जी को विश्वास में लेकर के उनको भ्रमित करके अंग्रेज फिरंगियों से मिल करके उनको कमजोर करने का काम किया था, लेकिन इस वीरांगने ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और जब युद्ध के मैदान में उन्होंने न जाने कितने फिरंगियों का सर कलम कर दिया था, लेकिन यही कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बात सत्य है। लेकिन मेरा यहां पर यह कहना है कि मैं मानता हूं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन यदि वही चना भार में उछल जाए तो भड़बड़वा की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने उन फिरंगियों के समझो आंख फोड़ दी थी, लेकिन वो ज्यादा संख्या में थे, उन्होंने जब पूरी चारों तरफ से घेर लिया तो आप याद करिए अपनी माता वीरांगना बाई लोधी जी के इतिहास को,
उन्होंने कहा मैं फिरंगियों की बंदूक से तलवार से मरना पसंद नहीं करूंगी कि ये मेरे शरीर को छुए। उन्होंने अपने अंगरक्षक की तलवार छीन करके अपने आप अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था कि मैं काफियों के फिरंगियों के हाथ से मेरी मृत्यु भी न हो। तो ऐसी माता को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूँ। साथियों भी जैसे कि बाबू जी ने प्रकरण बताया है कि कहीं पास के क्षेत्र में लोधी समाज के किसी परिवार की हत्या हो गई है, आपने उनके परिवार से आई हुई माता जी बैठे उनके बेटे ने माननीय मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जी के प्रतिनिधि श्री आर बी सिंह पटेल जी और राष्ट्रीय सचिव जो पार्टी के हैं भैया विनोद गंगवार जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अपने स्तर से माननीय कैबिनेट मंत्री जी आपके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए भी शासन को पत्र लिखेंगे और जो आपके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही इसके लिए वो जिलाधिकारी महोदय सीतापुर और पुलिस अधीक्षक महोदय सीतापुर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कुछ न कुछ इंसाफ जरूर होगा। बाकी आप तो जानते हो पूरे कुएं में भांग पड़ी है चारों तरफ, जब आग जल रही हो तो हम ये वादा नहीं कर सकते हैं कि 101% आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ मिलने की दशा में प्रयास जो होगा आपने विश्वास किया है वो सकारात्मक होगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। प्रतिनिधि जी और माननीय कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि जो थे कार्यक्रम के भैया आशीष पटेल जी द्वारा, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आजादी का 75वां जन्मोत्सव मनाया गया, बड़े प्यार से बड़े ही गौरव के साथ देश के सभी देशवासियों ने हर घर तिरंगे का कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन जनजात समाज का हो पिछड़ा वर्ग का हो उसके परिवार के एक 8 साल के नौनिहाल की राजस्थान के एक स्कूल में सामंतवादी सोच के कुकर्मी पापी छैल सिंह द्वारा उस बच्चे ने केवल मटकी से पानी पी लिया था, उसको इतना पीटा कि उस बच्चे की आंख सूज गई थी और उसकी हत्या हो गई। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं और नेता लोग हैं छाती पीटते हैं, इन्होंने केवल हमारे समाज को फर्जी देशभक्ति के नाम पर गुमराह कर रखा है और हमारा समाज 5 किलो राशन में ताली ताली बजाता है और अपने सारे मुद्दों को भूल जाता है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने महापुरुषों की जयंती की जयंती मतलब यदि न जाना चाहो तो वक्ता जान लो कि कम से कम पैदा है ना कि भी याद रहा 16 संवार वक्ते तो याद है, नवरात्र तो याद रहा कि नौ दिन वक्ते रहा है ना, हर तीज के उहाद उनका याद रहा है। लेकिन हमारी विडंबना है कि बाबा साहब ने कहा था कि जिस घर की औरतें पढ़ी लिखी होंगी, बहन बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, वो घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। और स्वर्ग कोई सिंहासन नहीं है जो ये लोग बता दे कि हमारा सोने सिंहासन लागत, इन लोगों ने तो यही चूतिया बनाए हैं हमारे समाज को कि इसमें उलझा हुए पढ़ ही लिख ना पाए कि रोज घंटा बजाऊ और छाती पीटे स्वर्ग हमका मिले बैकुंठ मिले। बिल्कुल सही था। तो बाबा साहब ने कहा था कि जिस घर की औरतें पढ़ी लिखी होगी वो समाज अपने आप सशक्त होगा। हमारी महिलाएं विडंबना है कि नहीं जानती हैं कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल देकर के आप सब महिलाओं को अधिकार देने का काम किया था। आज जो हमारे देश की सभी महिलाएं वो चाहे जिस जात की हो चाहे जिस धर्म की हो वो सभी आज डॉक्टर मास्टर इंजीनियर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकती है, वरना आदिवासी समाज में जन्मी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति नहीं होती, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होती, बहन अनुप्रिया पटेल जी आज कैबिनेट आज भारत सरकार में मंत्री नहीं होती। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को पढ़िए और जो पुरुष समाज है ये रक्षाबंधन मनाया है, मैंने भी मनाया है और मैं गौरवशाली हूं इस बार रक्षाबंधन पर। मुझे अनुप्रिया पटेल दीदी ने अपने छोटा अभिमान कर उसे रक्षा के बंधन में बांधा और मैंने उनसे वादा किया है कि दीदी अनुप्रिया पटेल जी आप सामाजिक न्याय और समता की जो बात करती हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति पर खड़े अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज आप संसद से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर उठाती हो, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रहे,
मैं आपका छोटा भाई बनकर हमेशा आपको संबल प्रदान करता रहूंगा। आदरणीय जिलाध्यक्ष जयप्रकाश कठेरिया दास चुके हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। चूंकि समय कम है तो इसलिए